सीरीज है क्योंकि अभी तक कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली सीरीज बनी नहीं है, तो काफी इम्पोर्टेंट इश्यूज काफी एंटरटेनिंग वे में डील किए हैं, तो मुझे लगता है ऐसी सीरीज बननी चाहिए। मेरा तो पहला काम है, मेरी पहली स्क्रीनिंग है लाइफ की, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यस इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू शूट इट आल्सो, लाइक हाउ द एंटायर ट्रीटमेंट वाज एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड वी आल्सो डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स व्हाइल वी वर गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है हम, इस वेब सीरीज का पार्ट भी है, आई एम डूइंग रोल इन दिस, और पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, हम सब उसको फील कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी गुड कि हमारी कंट्री से हमारी इंडस्ट्री से इतना अच्छा एक एफर्ट किया गया है। सो आई बिलीव इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, एक तो साईफाई स्पेस में और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो मज़ा आएगा देखने में, एंड इट विल हैव अ वेरी नाइस मैसेज। It was brilliant, yeah. We went and shot in Baitarna and it's a very beautiful place. Prateek, mere bahut achhe dost hai. Most of us are very dear friends who worked on this. So, bahut saare achhe dost agar ek bahut achhi wajah ke liye kaam kare to waise hi maza aata hai. Thank you, all the best. करेंगे सबके लिए है, फैमिली ड्रामा, इसमें ह्यूमर है, थ्रिल है, सो आई थिंक दिस समथिंग फॉर एवरीवन, सो सो फार सो गुड। आई मीन मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती और रिवील नहीं करना चाहती, बट डेफिनेटली इट हैज अ डिफरेंट थ्रिल अपील ऑफ इट्स ओन, बट मोस्टली ये एनवायरनमेंट के बारे में है एंड हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, सो आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट, इट हैज एन इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज एज वेल, सो आई जस्ट होप दैट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल वॉच द शो। सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, आई थिंक इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है दैट वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, अ लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स आर गेटिंग एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, एंड इवन फॉर समबडी लाइक मी आई एम गेटिंग टू वर्क इन शोज एंड गेटिंग टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर इंडिया फॉर श्योर। यस आई एम डूइंग टू शोज विद बालाजी अल्ट, आई एम पार्ट ऑफ द वर्डिक्ट एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ कोड एम। आप जाके देखेंगे, आप सोनी लिव डाउनलोड करेंगे एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा, सो प्लीज सेंड योर फीडबैक, टैग मी ऑन सोशल मीडिया, वॉच द शो एंड या आई होप यू एंजॉय इट। अपने में ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड माय फ्रेंड प्रतीक is producing it, Handyman ke naam se unka production house hai, so I'm here for him and as well as for Chandan Sanyal, kyunki mera naam bhi Chandan hai aur Chandan is a dear friend, to ek bahut hi unique combination hai aur idea bada acha hai, to why not, matlab dekh kar uske baad main aur bataunga and I really hope it will be a beautiful web series. बिल्कुल देखा है, बहुत अच्छा है, तभी तो आया हूँ, नहीं तो मुंबई शहर में ट्रेलर देखकर ही डिसाइड किया जाता है कि देखने जाना है कि नहीं, सो आई लव द ट्रेलर एंड आई एम हियर टू वॉच इट, सो माय बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम, थैंक यू। पूछना चाहता हूँ क्या है, मैंने थोड़ा प्रोमो देखा है तो मैं क्यूरियस हूँ और मैं खुश हूँ कि कोई इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा मैं खुद एक एनजीओ चलाता हूँ, from NGO background, so I'm very happy that such topics are being discovered now and there are people who are taking this initiative and hopefully something good will come out. हवा बदलो कैंपेन, वो इतना इतना इम्पोर्टेंट है
है हम सबके लिए, मतलब कोई भी इंसान है, जानवर है, उसको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, साफ हवा चाहिए. और हमारी हवा हम देख रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट आती है, रोज न्यूज में आता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ख़राब हवा है दुनिया में, और वो रिपोर्ट पढ़ के भूल जाते हैं. बट आई थिंक जो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ का रिमाइंडर है कि ये सिर्फ रिपोर्ट और नंबर नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी सीरियस इशूज़ हैं, और ये हमारे एज ह्यूमन बींग्स एंड एज एंड नेचर वो हमारे एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करती हैं ये चीज़ें. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग. ऑफकोर्स जो शो से रिलेटेड लोग हैं दे आर ऑल्सो वेरी डियर टू मी, प्रतीक हु इज़ प्रोड्यूसर्स एंड शो रनर्स, एंड चंदन हु इज़ द फेस ऑफ द शो, दे आर वेरी क्लोज टू मी, आई वर्क विद देम. सो दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न. जो हवा बदलो कैंपेन है उसमें खुद मैं एक छोटा सा पार्ट रह चुका हूँ, आई डन अ म्यूजिक वीडियो जो सेम कैंपेन के लिए था. तो आई थिंक बहुत सारे रीजन्स हैं मेरे पास एक्साइटेड रहने के लिए. आई थिंक काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि इस वेब सीरीज़ है तो अडल्ट कंटेंट होगा, ऐसा नहीं है. हर तरह की चीज़ें बन रही हैं. हाँ, वो जो चीज़ें हैं वो भी बन रही हैं काफ़ी, बट उन चीज़ों का है कि जो उस तरह की चीज़ है वो आपको बहुत शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है कि आपने देखा और 5 मिनट जो भी आपको मज़ा आया वो आपने इन्जॉय किया. बट ये जो जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह का कॉन्टेंट है, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए नहीं है, ये इनफैक्ट ये लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के लिए है. उसको उस चीज़ को सपोर्ट करता है, क्योंकि हवा आप एडल्ट कंटेंट नहीं देखेंगे तो आपको कुछ होगा नहीं, बट अगर आप हवा नहीं होगी आपके पास सांस लेने के लिए तो काफ़ी कुछ होगा, तो आप ही नहीं होंगे शायद. अभी सब सीक्रेट है. अभी मैं दूसरे का शो देखने आया हूँ, एंड आई टॉक अबाउट देम एंड आई सपोर्ट देम एंड दे आर गुड फ्रेंड्स. सो आई विल वॉच हवा बदले हंसू एंड आई विल टॉक अबाउट हवा बदले हंसू एंड वी शुड ऑल टॉक अबाउट हवा बदले हंसू. थैंक यू. बहुत ज़्यादा हम तीनों, हम पांचों, हम दसों, हम 80 का हमारा क्रू था इसमें. बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हमारा फैमिली बन गया हवा बदले हंसू का. आई थिंक कम समय में ज़्यादा बातें कर जाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स. हम ये नहीं चाहते कि हम बस बोलते रहें, एपिसोड बढ़ते रहें और कहानी वहीं रुकी हुई है. तो हमारे पास रिसर्च बहुत थी, लेकिन हमें पता है कि ऑडियंस के पास वक्त इतना नहीं. तो हमने चाहा कि एक, इसीलिए 40 मिनट का है, जितने में आप एक एपिसोड देखते हो बाकी सीरीज़ का, इतने में हमारा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, सीज़न 1 एटलीस्ट. आई होप सीरीज़ ख़त्म ना हो. हम आगे बढ़े हैं इसको लेकर, बिकॉज ये कहानी अभी तो शुरू हुई है. अभी अगर आप चेन्नई देखोगे, आयरलैंड ने अभी डिफॉरेस्टेशन बैन कर दिया है, मिसिसिपी फ्लड अभी भी रुका नहीं है, और जो हंसू का एक डायलॉग भी है कि पहले 10 सालों में शायद एक आध साइक्लोन फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता था, आजकल एक साल में 10 मिलते हैं. सो ऑब्वियसली कुछ चेंज हुआ है ना, ऑब्वियसली कुछ बदला है. तो हमें हमारी जितनी औकात है वो हम चाह रहे हैं कि हम एंटरटेनमेंट और कंटेंट के ज़रिए लोगों की रुचि भी बदले. ऐसा भी ना हो कि लोग एक ही तरह का एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते रहें, फिर हमारा काम हम अच्छे से नहीं कर रहे. तो यहाँ दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, कि एक तो एंटरटेनमेंट है और हमारा मुद्दा है जी. तो हम किसी को भी एक के ऊपर नहीं रख सकते, हमें एंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा ताकि ऑडियंस हमसे जुड़ी रहे, और हमारा मुद्दे की बात भी उन तक पहुँचे, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो इसका एक बैलेंस है मेंटेन किया, तो ज़रूर हम लोग बहुत उस पर, मतलब वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि ऑडियंस क्या बोलती है. एक्चुअली बटरफ्लाइज है नहीं, क्योंकि मेरे बटरफ्लाइज कम हो गए, एनवायरनमेंट में बटरफ्लाइज ज़्यादा उड़ रहे हैं. लेकिन द आइडिया इज़ दैट ये सीरीज़ करने का एकमात्र एजेंडा ये था, कि क्योंकि ये मेरी पहली सीरीज़ थी, मैं कुछ हटके करना चाहता था. क्योंकि आप पर्यावरण की जो हालत है, जो दुनिया में हो रहा है, कल लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि चेन्नई में पानी कम हो गया है, चेन्नई में पानी की लड़ाई हो रही है. 2040 तक हमारे देश में इतने बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे पानी, पीने को पानी नहीं होगा. तो उस ज़माने में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, मुझे लगा कि इस तरह का एक शो करना बहुत ज़रूरी था. तो इसलिए मैंने किया, और मुझे लगता है कि ठीक ठाक अच्छा बना है और जनता इंजॉय करेगी. नहीं, बिल्कुल.
बिल्कुल एंटरटेनमेंट तो है, क्योंकि एक एक हम लोग अभिनेता है, हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग अच्छा अभिनय करें, कैमरा अच्छा हो, म्यूजिक, हर तरह की चीज, स्क्रिप्ट राइटिंग, वो सब तो अपने मुद्दे पे एकदम कायम है। लेकिन उसके अलावा हम लोग एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, छोटा सा कदम है कि अपने आसपास के पर्यावरण की अब चिंता करना शुरू करें। थैंक यू। मेरी इच्छा है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं एक दिन अकेडमी अवार्ड जीतूं। ये जी तो हाँ बिल्कुल, ये मेरी इच्छा है और आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। तो हाँ रेड कार्पेट पे भी मिलूंगा और आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, ये बात तय है। लेकिन आप, मैं सबको न्योता देना चाहूंगा, आप बिल्कुल देखें और बताएं कि आप कैसा लगा। क्या है?
मैंने एक काम किया, एक शॉर्ट फिल्म किया जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, और उसके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आया था. चंदन इज लाइक ही इज लाइक दिस पावर हाउस ऑफ लाइक, वो पागल है. मुझे लगता है कि ही जस्ट डज थिंग्स यू नो इन अ सीन जो कभी आपको बताता नहीं है. ही जस्ट टेक्स यू बाय सरप्राइज एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेट अबाउट हिम एज एन एक्टर. मुझे बहुत मजा आया था उसके साथ काम करके. सो व्हेन चंदन मैसेज मी दैट उसकी फिल्म हो रही है तो मैंने काम करूंगा. फिलहाल शुरू हो रही है उसकी, इतनी धड़ल्ले से मार्केटिंग नहीं की जिस तरह जी करता है. एंड बट बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, फुटबॉल पे बन रही है. फुटबॉल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे जो भी फुटबॉल के बारे में आज तक पता चला है या जो भी पता हुआ है मेरा, आई मीन जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में, वो मुझे मेरे भाई से मिली है. मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है और उसने पूरी लाइफ सिर्फ फुटबॉल मैचेस देखे हैं. मतलब वो इंडियन क्रिकेट पे इतना ध्यान नहीं देता जितना वो फुटबॉल पे ध्यान देता है. तो उसकी वजह से मुझे फुटबॉल में एक रोमांच पैदा हुआ है. जब मुझे जी के सामने से कॉल आया, उन्होंने कहा कि फुटबॉल पे सीरीज बना रहे हैं, मैंने कहा लो सब लोग क्रिकेट पे बनाते हैं, आप लोग फुटबॉल पे बना रहे हैं, विच आई थिंक इज वेरी गुड. तो आई थिंक उसको उसी तरह सराहाया जाए जिस तरह उसको बनाया गया है. सो लुकिंग फॉरवर्ड. उस दिन मैं बहुत डर के बैठूंगी, पेट्रोल बंद कर दूंगी. कोई धक्का ना पहुंचे सबके अरमानों पे. बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मेरे घर में भी होता है. मेरे घर में सुबह से टीवी चालू रहता है. तो या आई होप कि प्राइसेस मतलब जीने लायक हो, पानी महंगा ना कर दें. बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत सालों में हमारे पास पानी नहीं बचेगा और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ और डर पानी को लेकर ही होता है. आई होप दे आर नाइस टू अस. बताने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है, बातें बताई जा रही हैं, चीज वो बहुत कमाल की है. तो इसलिए मुझे भी लगता है कि लोगों को पसंद आएगा. बिल्कुल हसो जी ना. हसो जी मस्त मौला कैरेक्टर हैं और सोचते हैं, उनकी सोच अच्छी है, सोच बड़ी है और वो काफ़ी चीज़ें अच्छी बताना चाहते हैं लेकिन अच्छे तरीके से, फनी वे में, कुछ अपने अंदाज से. थैंक यू. समय निकाल के यस. एक्साइटेड से ज़्यादा नर्वस ज़्यादा है क्योंकि अभी इतने टाइम से बन रहा था, फाइनली आ चुका है. तो अब पता चलेगा लोग रिएक्शंस देंगे क्या होगा. और बहुत सही टाइम पे सीरीज आई है जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं. हम लोग देख रहे हैं कि चेन्नई में क्या हो रहा है, पानी किस कैपेसिटी है. तो ये सीरीज़ एक तरह से बहुत एंटरटेनमेंट तरीके से हम लोगों ने ये मैसेज छोड़ने की कोशिश की है और आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगी ये सीरीज़. वैसे भी एक बहुत बेहतरीन एक्टर है मतलब, और जिस तरह से वो एक कैरेक्टर को पकड़ लेता है तो मेरे ख्याल से सब लोगों को एक कैरेक्टर से कनेक्शन होता है. आप कैरेक्टर्स को हमेशा याद रखते हो कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा. तो बिल्कुल चंदन को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा लोगों में. हवा बदले हंसू है तो हमारे कैरेक्टर चंदन भी हंसू बने हैं. तो हमारे लिए काफ़ी एक मैस्कॉट था कि मैस्कॉट ऑफ चेंजिंग कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बिल्कुल आप देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको सीरीज को. थैंक यू.